हाय डियर स्टूडेंट, डीलर सेकेंड सेमेस्टर गणित शिक्षण में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं के अंतर्गत स्टैटिक्स और बारंबारता फ्रीक्वेंसी के बारे में, आज की जो क्लास है वो हम लोग देखेंगे कि टैली चीनी जो होता है स्टैटिक्स में, उस टैली चीनी को हम लोग कैसे बनाते हैं और फ्रिक्वेंसी को हम लोग कैसे गणना करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। मतलब सर्वेक्षण के द्वारा हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे कि किसी गांव के अंतर्गत छात्रों की संख्या कितनी है, या किसी गांव के अंतर्गत किसी भी परिवार के दैनिक खर्च कितने हैं, या मासिक खर्च कितना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल के अंतर्गत क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट कर लेंगे। और प्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग बारंबारता और मिलान चिन्हों को क्या करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, 24 परिवारों में किसी सर्वे के अंतर्गत बालकों की संख्या निम्नवत है, जैसे ए हो गया 24 परिवार, और मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए बारंबारता सारणी क्या करना है, प्रेजेंट करना या बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी का निर्माण करने के लिए इन तीन स्तंभों को बनाना आवश्यक, तीन स्तंभों को क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, परिवार के छात्रों की संख्या लिखेंगे, फिर टैली चिन्ह मिलान चिन्ह स्तंभ को देंगे, उसके बाद फ्रिक्वेंसी। देखिए इसको एक टेबल चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है, परिवार में छात्रों की संख्या नंबर आर फैमिली मिलान चिन्ह टैली मार्क्स और बारंबारता फ्रिक्वेंसी। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, देखिए इसे परिवार में छात्रों की संख्या एक छात्र करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।